नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दिवाली से पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के दिन को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग शुभ चीजों की खरीदारी करते हैं और इस दिन खास तौर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू, आभूषण, गहने, धनिया, पीतल के बर्तन, सोने चांदी के सामान, नया घर, गाड़ी आदि की खरीदारी घर में सुख समृद्धि लाती है। इस दिन नया खाता खुलवाना भी शुभ होता है, तो वहीं कई व्यापारी बड़ी मात्रा में निवेश भी करते हैं। हालांकि धनतेरस वाले दिन शुभ संयोग पर सामान खरीदना अत्यंत शुभकारी होता है, इसलिए आप संभव हो सके तो इस दिन शुभ घड़ी में ही किसी चीज की खरीदारी करें। इस बार धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार को है और इस दिन खरीदारी और पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी का एक साथ आशीर्वाद पाने के लिए शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करना चाहिए। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस समय में सामान की खरीदारी करना और निवेश करना आपके लिए शुभ होगा। इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इस योग में कार्य करने से उसका तिगुना फल मिलता है। 3 ग्रहों मंगल, शनि और रवि के मिलने से यह योग बनता है। इस योग में घर, गाड़ी या आभूषण या कोई कीमती चीज खरीदना शुभ होता है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग सुबह 6:06 से दिन के 11:31 तक है। इस योग में खरीदारी करना शुभ होगा। खरीदारी के लिए शुभ योग दोपहर 2:20 से लेकर 3:43 तक भी है, जिस दौरान खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा 2 नवंबर को धनतेरस वाले दिन चर लग्न सुबह 8:46 से लेकर 10:10 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:11 से 11:56 तक है। अमृत मुहूर्त सुबह 11:33 से दोपहर 12:56 तक है। वही हम आपको यह भी बता चुके हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। ऐसे में इस दिन पूजा करने के लिए भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। धनतेरस पूजन के लिए शाम के समय शुभ मुहूर्त बन रहा है। विशेष फल प्राप्ति के लिए प्रदोष काल और वृषभ लग्न में शाम 6:00 से रात 7:57 तक में आप किसी भी वक्त पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान की खास पूजा में आपको भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, धूप, मिट्टी का दीपक, रूई, गंध, कपूर, घी, फल, फूल, मेवा, मिठाई और भोग के लिए प्रसाद, ये सारी चीजें चाहिए, जिसके बाद आप विधि विधान के साथ शुभ समय पर पूजा करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन 7 धान्यों को भी पूजा में रखा जाता है, जिनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर शामिल है। साथ ही इस दिन धनिया खरीदकर उसे मां लक्ष्मी को चढ़ाना भी शुभ फलदायक सिद्ध होता है। हालांकि आपको सबसे खास बात बता दें कि धनतेरस पर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और इस दिन बुरे चीजों से भी दूर रहना चाहिए, तभी आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।